जादवपुर की बात है भैया, गांव ये बिल्कुल न्यारा, गांव ये बिल्कुल न्यारा। पल 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 ये रूप बदल, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा। ओ हो हो हो, बदल रही जब दुनिया सारी, बदले क्यों ना गांव रे। पढ़ी लिखी जब दुनिया सारी, अनपढ़ क्यों ये गांव रे। नदिया किनारे एक गांव रे, नदिया किनारे एक गांव रे। ये सरजू है, गांव माधोपुर का एक बूढ़ा किसान। बूढ़ा सरजू खुद तो पढ़ा लिखा है नहीं, बड़ा लड़का लल्लन भी पूरा अंगूठा छाप है। गांव में प्रभाकर जी हैं, सब उन्हें मास्टर बाबू कहते हैं, मगर गांव में उनकी पढ़ाई की किसी को कोई जरूरत नहीं। ऊपर से गांव के स्वार्थी चेहरे वक्त बेवक्त उन्हें डराते धमकाते रहते हैं, यहां तक कि अभी हाल ही में उनके साथ मारपीट भी की गई। गांव का भला सोचने का खूब सिला मिला मास्टर जी को। हां, जरूरत के वक्त एक बार सरजू ने गांव के धूर्त साहूकार से 2000 का कर्जा लिया और सोचे समझे बिना साहूकार के कागजों पर अपना अंगूठा टिका दिया और बस हो गया काम। यही जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। साहूकार ने सरजू का घर और खेती की जमीन हड़पने की कोशिश में 2000 के कर्जे की रकम को 20,000 बना दिया। ऐसे में सरजू और लल्लन तो जैसे आसमान से जमीन पर ही आ पड़े। सरजू के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ आ पड़ा। अगर आज ये सब कुछ हुआ तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है? हर मैं तो पहले भी कहता था कि अरे बात का बिटवा, बात बात बात, चले पे नमक नहीं, चले बिटवा, चले पे नमक नहीं, चले। कर धोखा किए हमरे संग, धोखा इससे पहले कि साहूकार हमारी जिंदगी बर्बाद कर दे, हमको ही कुछ करना होगा, हमको ही कुछ करना होगा, छोड़ेंगे नहीं हमोगा। क्या बड़े भैया, छोड़ेगा नहीं अमुका। ये हमारी समस्या का हल नहीं है बड़े भैया, उलझे हुए को और मत उलझाओ बड़े भैया, और मत उलझाओ। अरे रोको, रोको भाई, अरे उसे रोको। अरे अजीब है, आसपास कुछ तो गांव वाले रहे होंगे, किसी ने तो ये सब अपनी आंखों से देखा होगा ना, और उस पर उन बदमाशों की इतनी हिम्मत कि वो आप पर हाथ उठाकर चले गए, और गांव वाले हाथ पर हाथ धरे ये सब तमाशा देखते रहे। छी राधा बहन, जो कुछ भी हुआ उसमें गांव वालों का कोई दोष नहीं, बेवजह बदमाशों से कौन उलझना चाहता है। बेवजह
मास्टर जी आप पर हाथ उठा, क्या ये कोई वजह नहीं है? क्या कसूर था आपका? ये जो आप रात दिन गांव वालों को पढ़ने पढ़ाने के लिए कहते रहते हैं, तो इसमें क्या आपका कोई स्वार्थ है या फिर गांव या गांव वालों का इसमें कोई फायदा नहीं? जिन लोगों के कारण आपके ऊपर ये जो हाथ उठे ना, उनमें कम से कम इतनी भी हिम्मत नहीं थी जो? बस बस राधा बहन, जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। नमस्ते मास्टर जी, क्या हुआ, क्या बात हो गई थी? मैंने तो सुना था कि किसी ने आपके साथ शरारत की है, मगर अरे अरे अरे, आपकी तो अच्छी खासी चोट लगी हुई है मास्टर जी, किसकी हिम्मत हो सकती है ये? अगर आप पहचानते हैं तो मुझे नाम बताइए। अगर मैंने भी इसी वक्त उसे इस गांव से निकाला तो मेरा नाम भी राम सरन सरपंच नहीं। पहचानते तो हम सब खूब हैं सरपंच साहब, हाथ उठाने वाले कौन थे, किसके इशारे पर और किसकी शह पर यह सब हुआ है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्यों रे, तू कहना क्या चाह रहा है? मेरे कुछ कहने या ना कहने से कोई हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना सरपंच साहब। वो लोग जमींदार और साहूकार के पाले हुए हैं, हम ही नहीं आप भी उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। हाजिरी तो वो आपके यहां भी लगाते हैं ना। जबान संभाल के रे मोहनवा, जबान संभाल के। तू शायद भूल रहा है मैं गांव का सरपंच हूं। सरपंच? हाँ, सरपंच हैं आप गांव के, और सरपंच तो गांव का मुखिया होता है ना। जब गांव का मुखिया ही सब कुछ देखते समझते हुए आंखें मूंदे रहे, तब फिर उस गांव का तो भगवान ही मालिक है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने, सरपंच? अच्छा नहीं है रे मोहनवा, अच्छा नहीं है ये बड़बोलापन, मैं कहूं हूं कतई से अच्छा नहीं है। समझाइए मास्टर जी से, समझाइए, इतनी गर्मी ठीक नहीं है। मैं तो भले के लिए आया था, समझाइए इसे। जी जी, यूं रोने से अब का होगा, जरा हिम्मत से काम लो। मैं तो कहती हूँ धीरज धरो जी जी। इतना सब हो गया और तू धीरज रखने को कह रही है? सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। जानती हूँ, मैं सब जानती समझती हूँ, मगर मगर यो हिम्मत हारने से तो कुछ भी नहीं होगा ना जीजी। देखो आज काली रात है तो कल उछली सुबह भी होगी, आज अगर पूरे दिन सिर पर है तो कल समय बदले का भी। जीजी अपनी जिंदगी में इतने सालों से कुछ नहीं बदला, अब क्या बदलेगा? अब तो जैसे अंधेरों में जीने की आदत सी हो गई है हमको। घर का मर्द अगर समझदार हो ना तो औरत चार बात करके जी हल्का कर लेती है, मगर अपने नसीब में तो वो भी कहीं नहीं। मैं मानती हूं कि पढ़ाई लिखाई तो मेरी भी ज्यादा नहीं हुई बचपन में, पर अपना नाम लिखना जानती थी और आखर जोड़ जोड़ कर थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती थी, मगर शादी क्या हुई, कलम दवात और किताबों से तो रिश्ता ही टूट गया। हाजी तुम बस रहने देरी बहना, यहां तो ना कुछ बदला है और ना बदलेगा।
धनिया की किस्मत में आंसू ही लिखे हैं, उसे हर कदम पर आंसू ही मिलेंगे। भौजी, तुम उम्र में ही नहीं रिश्ते में भी बड़ी हो हमसे। जबान खोलने से पहले माफी चाहती हूँ, पर इतना जरूर कहूंगी, बस अपने आप को कोसने से तो जिंदगी नहीं चलती। देखो बड़ी हो तुम, जब तुम्हें हिम्मत हार जाओगी तो हमें दिलासा कौन देगा, हमारी हिम्मत कौन बंधाएगा। जीजी अंधेरे तो जीवन में आते ही हैं, अंधेरों से उबरो, उजालों को जानो, पहचानो अपनी ताकत को बहना, जागो अभी भी नींद से जागो, अंधेरे तो जीवन में आते ही हैं, अंधेरे तो जीवन में आते ही हैं, अंधेरे तो जीवन में आते ही हैं। आप भी सोच रहे होंगे सरपंच जी, ये सब कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे ना साहूकार ना, मैं ऐसा कुछ ना सोच रहा, बल्कि मैं सोच रहा हूँ जो हुआ ठीक ही हुआ। अभी कल ही की तो बात है, वो सरजू का छोटा लड़का, क्या नाम है उसका, हाँ मोहन, सर उठाकर बढ़ चढ़कर ऐसे बात कर रहा था मुझसे जैसे मेरे सर पर ही सवार हो जाएगा। भाई साहूकार, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी हुआ। वही तो, मैं यही तो कह रहा हूँ सरपंच जी, अगर पैरों की जूती पैरों में रहे तो ही अच्छा है। वो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गया है ना, इसीलिए उसका दिमाग खराब हो गया है। ऐसे लोग अगर अनपढ़ रहे तो ही अच्छा है, तभी काबू में आते हैं ये लोग, और फिर जैसे चाहो कठपुतली की तरह नचा लो इनको। हाँ ये बात तो है साहूकार, पर ये बातें हम खुलकर नहीं बोल सकते हैं ना, वरना अगली बार के पंचायत के चुनाव में हम कहां नजर आएंगे, और फिर नेतागिरी भी तो चमकानी है अपनी, और फिर दिखावे के लिए इन गरीबों का हमदर्द बने रहना भी जरूरी है ना। एक बात कहूँ सरपंच जी, वो कहावत सुनी है ना तुमने? कौन सी? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा साहूकार चलता हूँ, लेकिन हाँ जरा ध्यान रखिएगा, कहीं लल्लन को कुछ हो गया और पुलिस का लफड़ा हो गया तो। आप चिंता ना करें सरपंच साहब, मैं जानू हमारे साहूकार साहब ऐसे मामलों में पूरी तरह से माहिर है, क्यों साहूकार साहब? हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं भाई, जब धंधा करना है तो पुलिस वालों से तो बनाकर रखनी पड़ेगी ना। वही तो सरपंच साहब, वही तो। अरे अपने साहूकार जी का तो थाना चौकी में भी जान पहचान है, और जहाँ तक ललनवा की बात है उसका तो अभी हाथ पैर ही सीधा किए, फिर कभी कर में दिखाना तो पूरा ठंडा कर देंगे, क्यों बिरजू? मैं जानू। हाँ इस मामले में तुम्हारे साहूकार साहब बहुत ही माहिर हैं। जब ये 2000 के 20,000 बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं सरपंच जी। एक बात की दाद दूंगा साहूकार जी, आपने जो ये अपने दो कारिंदे खुले बैलों की तरह पूरे गांव में घुमा रखे हैं, इनका जवाब नहीं। कितना अजीब सा है सब कुछ, एक तो सरेआम धोखाधड़ी और ऊपर से ये सब कुछ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मास्टर जी कि क्या किया जाए और क्या नहीं। एक तो बड़े भैया की ऐसी हालत, और फिर आगे सोचने के लिए जैसे कुछ रहा ही नहीं। पुलिस के पास गया तो वहां भी कोई सुनवाई नहीं, साहूकार की ताकत का असर तो वहां भी नजर आ गया। सच कहूं मास्टर जी, अब तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हां प्रकाश, अंधेरा तो है, अंधेरा तो बराबर है। जिस गांव का सरपंच ही गांव का भला ना चाहे तो भला उस गांव का क्या भविष्य हो सकता है, और फिर ये माधोपुर के लोगों के लिए कोई नई बात तो है नहीं। हाँ मास्टर जी,
माधोपुर के लोगों ने तो हमेशा अंधेरे में ही भटकना सीखा है। अगर उनमें इतनी समझ होती तो सोच समझकर पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते। अगर पंचायत के सदस्य सही होते तो सरपंच भी गांव का भला चाहने वाला होता, मगर यहां तो सब जैसे अपने भाग्य का रोना रोना ही जानते हैं। हाँ प्रकाश, तुम तो थोड़ा सा पढ़ना लिखना जानते हो, जरा ध्यान से सोच विचार करो तो तुम जान जाओगे कि हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या यहां की अनपढ़ता से जुड़ी हुई है। अगर गांव के लोग पढ़े लिखे होते तो अपना अच्छा और बुरा सोच सकते, कानून को समझते, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहते। वो ये सोच सकते कि उनके साथ क्या सही हो रहा और क्या गलत। हाँ मास्टर जी, आप सही कहते हैं। अब अगर बापू को जाने भी दिया जाए तो कम से कम लल्लन भैया ही पढ़े लिखे होते तो क्या साहूकार ये बेईमानी कर सकता था? अगर आज हमारे घर पर कोई गाज गिरी है तो इसका कारण भी ये अंगूठा छापने की आदत ही है ना। हाँ प्रकाश, लेकिन ये सब कुछ इन लोगों को समझा पाना मुमकिन भी तो नहीं। ये माधोपुर के लोग अपने फूटे नसीब का रोना तो दिन रात रो सकते हैं, लेकिन इस फूटे नसीब का कारण जानने की कभी कोशिश नहीं करते। और फिर हकीकत तो यह है प्रकाश, कि इस गांव के सरमायेदार ही नहीं चाहते कि इस गांव में पाठशाला खुले जहां यहां के बाल गोपाल लिख पढ़ सके। हाँ मास्टर जी, हकीकत में ऐसा ही है। और फिर क्या आपने कोशिश नहीं की इस गांव में पाठशाला चलाने की? मगर ना तो गांव के लोग ही अपने बच्चों को पाठशाला भेजने के लिए तैयार हुए और ना ही गांव के ताकतवर और स्वार्थी लोगों ने ऐसा होने दिया। अरे आपने क्या नहीं भोगा इसके लिए, अपमान सहा, धमकियां मिली और यहां तक कि आपके साथ मारपीट की गई। और हाँ प्रकाश, इन सब के कारण मेरे इरादों में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं ये मानता हूं कि मेरे इस मिशन में गिनती भर लोगों का ही सहयोग है मुझे, लेकिन इन सब के बावजूद मेरे इरादों में कोई कमी नहीं आई है। मैं अपनी कोशिश में तब तक लगा रहूंगा जब तक मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल जाती। और फिर प्रकाश, देखना तो यह है कि इस माधोपुर में वो मुस्कुराती सुबह कब आएगी जब यहां पर साक्षरता का उजाला होगा। जब साक्षर होगा गांव का बचपन, जब पढ़ना लिखना ही जीवन होगा, जब होठ हिलेंगे पास कमला, जब नाम लिखे सब हाथों से अपना, जब साक्षर होगा गांव का बचपन, जब पढ़ना लिखना ही जीवन होगा, जागेंगे लोग अंधेरों से अपने, मन में सजेंगे विकास के सपने, गांव फिर अपना आगे बढ़ेगा, भाग्य फिर अपना देखो जगेगा, जब साक्षर होगा गांव का बचपन, जब पढ़ना लिखना ही जीवन होगा। कितनी अजीब बात है ना राधा, जिसे हम खुशी देना चाहते हैं उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तक नहीं दे पाते। अब देखो ना, मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी उदास कर दिया। नहीं मोहन जी नहीं, जो कुछ हुआ उससे अनजान नहीं हूं मैं। ये तो आप सबकी हिम्मत है कि इतना सब कुछ होने पर भी अपने आप को संभाले हुए हो। संभालना तो होगा ही राधा, अपने आप को संभालना ही होगा। ये गरीब के पास और होता ही क्या है, यही ना कि वो जमाने भर के जुल्म और ज्यादतियों को अपने अंदर जब्त कर ले। हाँ मगर ऐसा भी नहीं है राधा कि इसमें हमारा कोई दोष ही ना हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा दोष हमारा ही है। पर मोहन जी आप कहना क्या चाहते हो? मैं वही बयान करना चाहता हूँ जो हकीकत है, और हकीकत ये है राधा कि ये मुसीबत हमारी खुद की बुलाई हुई है। हाँ राधा, ये मुसीबत हमारी निरक्षरता की है। सोचो सोचो राधा,
अगर लल्लन भैया और बाबू थोड़ा सा भी पढ़े लिखे होते तो क्या ये सब हो पाता? हाँ, क्या साहूकार हमारे साथ ये सब धोखाधड़ी कर पाता? क्या कागजों पर अपने अंगूठे की छाप लगाने से पहले बापू और लल्लन भैया ये पढ़ नहीं लेते रहता कि कागजों पर साहूकार ने उनकी किस्मत को बंधक बना लिया है? हाँ? पर मोहन जी, ये तो धोखा है, सरासर बेईमानी है। ताकत और रसूख वालों की बेईमानी भी उनके लिए ईमानदारी का दावा ही होती है राधा। इन्हीं लोगों ने कभी इस गांव को आगे बढ़ने नहीं दिया, ना कभी किसी को पढ़ने लिखने दिया, ना कभी किसी को ये सोचने समझने का मौका दिया कि दुनिया तेजी से बदल रही है और बदलते हुए नए जमाने के साथ उसे भी बदलना होगा, ना कभी नहीं। सच कहते हो मोहन जी, शायद इसीलिए माधोपुर हमेशा अपने इलाके में सबसे पिछड़ा हुआ रहा। मगर मैं आपसे पूछती हूँ मोहन जी कि आखिर ये सब कब तक? इस सवाल का जवाब तो शायद मेरे पास भी नहीं रहा था, या फिर अब मैं ये सब सोचना भी नहीं चाहता। सच कहूं रहा था, कभी कभी अंदर की घुटन इतनी बढ़ जाती है, लगता है जैसे जैसे दम ही घुट जाएगा ना मेरा। मोहन जी ना, अब एक शब्द भी अपने मुंह से ना निकालना। सच कहूं तो मैंने हमेशा आपको अपना आदर्श पुरुष माना है। मुझे आपको कोई सलाह मशवरा देने का अधिकार तो नहीं है, पर मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि छोड़ो राधा, जाने दो, शायद भूल मेरी ही है। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है ना, जरा से दर्द से छटपटा उठता है, शायद ऐसी ही हालत मेरी भी है। पर मोहन जी, रहम कीजिए साहूकार साहब, रहम कीजिए। ना सरजू ना, अब बंद भी करिए नौटंकी। जा, चला जा, अपने पास अभी और भी बहुत से काम है। नौटंकी? नहीं सरकार, हम गरीब भला नौटंकी कर सकेगा? आप जानते हैं, आप बड़े आदमी हैं, आपका एक एक पल कीमती है, मगर यहाँ तो ही ससुरे जिंदगी का एक एक पल भारी हुई रहा है। जब आपके यहाँ ही सुनवाई नहीं होगी तो सरकार हम गरीब कहाँ जाएंगे? क्या सुनवाई? सुनवाई की तूने बहुत कही सरजू, हैं? वो तेरा बड़का हाथ में लाठी लिए हमें मारने चला आया हैं? जब पासा उल्टा पड़ गया तो तू हाथ जोड़े हमसे माफी मांगने चला आया? अरे पूरे नौटंकीबाज हो तुम, नौटंकीबाज। चलो यहाँ से, हैं? नहीं सरकार, नहीं, ये नौटंकी नहीं है सरकार, नहीं सरकार। ललन की ओर से हम माफी मांगे सरकार, हमें माफी दे दीजिए, हमें माफी दे दीजिए। माफी? माफी तो हमारे साहूकार साहब तुम्हारे खानदान को ऐसी देते कि तुम्हारी सात पीढ़ियां याद रखती। लेकिन मैं जानू कि सरकार को तुम पर तरस आ गया, वरना तुम्हारे जाहिल लल्लन की लाश तुम्हारे घर पर वापस पहुंचती। खैर जाने दो, हमारे सरकार का दिल बहुत बड़ा है, अगर वो तुम्हारी औकात पर उतर आते तो उनमें और तुम में फर्क ही क्या रह जाता? बिल्कुल। आप बड़े आदमी हैं साहूकार साहब, बड़ों की तरह सोची, आप हम पर रहम कीजिए हुजूर। कर्जा लिया है तो वापस तो करना ही पड़ेगा ना सरजू, कोई एहसान तो तू करेगा नहीं हम पर, हैं? आप जरा अपने दिमाग पर जोर देकर कर्जे की कागजात देख ले, कहीं ना कहीं गलती हुई है। गलती हुई है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मेरा धंधा खोटा है? मैं बेईमान हूँ? मैं जो लिखता हूँ वो गलत लिखता हूँ? नहीं नहीं साहूकार साहब, नहीं, मगर फिर भी जरा देख लेते। देखा देखा सरकार, ये तो वही कह रहा है जो नहीं कह रहा है। देखो सरजू, हमारे सरकार मुंह जवानी का जमा खर्चा नहीं करते,
ये वही करते हैं जो बही खाता में लिखा होता है। और बही खाते में अगर कर्जे की रकम 20,000 है तो 20,000 ही है। और सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है कि चुपचाप कर्जे की रकम वापस कर दो। क्यों सरकार? सरकार, हम तो मर ही जाएंगे। तो मर जाओ, हम तो बर्बाद हो जाए। अरे तो बर्बाद हो जाओ ना सरकार, हम गरीबन पर रहम करो। रहम कीजिए, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अपना दिमाग खराब हो जाएगा। चलो यहाँ से निकल जाओ। और हाँ सुनो सरजू, अब की दफा आओ तो साथ में अपने उस लल्लन को भी लेते आना, जरा देखें तो कितनी गर्मी है उसके खून में। है? उस दिन तो बड़ी लाठी फांसता फिर रहा था। चल जा सरजू, अब जा यहाँ से। मजबूर कितना जीवन में की गई एक छोटी सी भूल भी हंसती खेलती जिंदगी में तूफान ला सकती है। और बूढ़े सरजू और लल्लन ने तो एक बहुत बड़ी भूल जानते समझते हुए भी की, वो पढ़े लिखे जो नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो ये सब क्यों होता? आज मास्टर जी जैसे युवकों की ही जरूरत है जो गांव में आखर की अलग जगाना चाहते हैं। और फिर सच ही तो है, जो भी जीवन में आखर का मोल समझ गया, समझो जीवन को समझ गया। पढ़ना लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, मन में जागी थोड़ी सी लगन आपको साक्षर बना सकती है। बहुत ना सही, जरूरत भर की पढ़ाई तो हम सबको आनी ही चाहिए। और फिर जीवन तो पढ़े लिखे का ही है ना।